नमस्कार, मैं ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम एसएम का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। देखिए, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट में सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो हम बात करें कि कितने टाइप्स के सपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं बीम में और उनमें किन तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए, सपोर्ट्स होते हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं लोड ट्रांसफ़र कराने का बीम से, क्योंकि सपोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से लोड दूसरे एलिमेंट्स में ट्रांसफ़र होगा। तो हम बात करेंगे कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं। तो तीन तरह के सपोर्ट्स हम है। पहला सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, दूसरा हिंज सपोर्ट, तीसरा रोलर सपोर्ट। तो देखिए, जो फिक्स सपोर्ट है वो इस तरह से होता है। तो मान देखा कि किसी बीम के अगर एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है, उसका मतलब ये, उस सपोर्ट का मतलब ये है कि बीम ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, ना ही बीम वाई डायरेक्शन में मूव करेगी, ना ही बीम में कोई रोटेशन होगा। इसका मतलब ये है कि वह बीम उस सपोर्ट पे रिजिडली फिक्स्ड है ना। ये यहाँ पर क्या है, रिजिडली फिक्स्ड है। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, रिजिडली फिक्स्ड है इस सपोर्ट पर ये बीम। ठीक है, फिक्स सपोर्ट पे ये बीम रिजिडली फिक्स्ड है। इसका मतलब अगर देखिए, ये बीम जो फिक्स्ड है इस सपोर्ट पे मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ऐसे फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उसे मूव करने से रोक रहे हैं। ठीक है, ऐसे फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उसे बीम को मूव करने से रोक रहे हैं। तो उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं रिएक्शंस, ये RX, RY एंड MZ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर आपकी बीम एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, मतलब वहाँ पर एक रिएक्शन लग रहा है RX जो उसे एक्स डायरेक्शन में मूव करने से रोक रहा है। ठीक है, अगर आपकी बीम वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में एक रिएक्शन लग रहा है RY जो उसे वाई डायरेक्शन में मूव करने से रोक रहा है, और अगर उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है MZ जो उसके रोटेशन को रोक रहा है। ठीक है, ये MZ रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जो उसके रोटेशन को रोक रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो देखो इसकी डेफिनेशन, इट कैन नॉट, तो हम कह सकते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है जैसे कॉलम इन कंक्रीट एंड पोल। जैसे कंक्रीट का कॉलम है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, वो रिजिडली फिक्स्ड होता है अपनी जगह पे। पोल है तो वो भी रिजिडली फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो रिएक्शंस हम देखेंगे वो कैसे होगी, जैसे RX इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, RY इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड MZ इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ पर फिक्स सपोर्ट पे तीन तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे, RX, RY एंड RZ। ठीक है, अब हम बात करें, दूसरा सपोर्ट है हिंज सपोर्ट। देखिए हिंज सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट में क्या है, हिंज सपोर्ट में कितने तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, जो हिंज सपोर्ट, देखो इस तरह का हिंज सपोर्ट होता है, इसमें कितने तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, RX एंड RY। तो RX क्या करते हैं, RX ये करता है कि वो उसके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रजिस्ट करता है, बीम की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रजिस्ट करता है। और RY क्या करता है, RY बीम की वर्टिकल मूवमेंट को रजिस्ट करता है। ठीक है ना, RY क्या करता है, इसकी वर्टिकल मूवमेंट को रजिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो रोटेशनल रिएक्शन है MZ वो जीरो होगी, रोटेशनल रिएक्शन जो MZ होती है वो जीरो होगी, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, हिंज सपोर्ट पे रोटेशन पॉसिबल होता है तो हम MZ बराबर जीरो मानेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रोटेशन इज पॉसिबल ऑन हिंज सपोर्ट, तो MZ इज इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि RX इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है आपकी बीम, तो रिएक्शन RX प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर। वाई डायरेक्शन में आपकी बीम मूव नहीं कर सकती तो रिएक्शन RY प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर। MZ में रोटेशन पॉसिबल है तो आपका मूवमेंट जो रिएक्शन MZ है वो होगी नहीं, तो MZ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा है रोलर सपोर्ट। अब देखिए रोलर सपोर्ट कैसा है,
इस तरह से बनता है रोलर सपोर्ट। इस तरह ये इसके नीचे लगे हुए हैं, रोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट्स के नीचे देखो ये रोलर्स लगे हुए हैं, और इसी इसकी पिक से ही पता चल रहा है कि इसका जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो होगा ही। देखो ये इसके रोलर लगे हुए हैं, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव करेगा, ठीक है। मतलब इसका एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसके कोई रिएक्शंस प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में रिएक्शंस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं होगा, और हिंज सपोर्ट की तरह इस पर भी मूवमेंट जो रोटेशन है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही तरह की रिएक्शंस प्रोड्यूस होगी, वो होगी आर वाई, ठीक है। तो ये है अपने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, जिसमें हमारे तीन तरह के सपोर्ट्स है, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट्स पे तीन तरह की, एक फिक्स सपोर्ट पे तीन तरह की रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। हिंज सपोर्ट पे दो तरह की रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है, आर एक्स एंड आर वाई, एंड रोलर सपोर्ट के पे सिर्फ आर वाई ही रिएक्शन होती है, ठीक है। क्लियर, थैंक यू।